दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ ऑनलाइन क्लासेस के लिए गूगल क्लासरूम का यूज कैसे किया जाए, ये मोबाइल में कैसे हम यूज कर सकते हैं और इसे हम कंप्यूटर पे कैसे यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ ये टीचर और स्टूडेंट के बीच में कनेक्शन किस तरह से बनाता है, क्या क्या वर्क जो है एक टीचर को इस गूगल क्लासरूम में करने होते हैं और क्या क्या वर्क जो है एक स्टूडेंट को इस गूगल क्लासरूम में करने होते हैं, ये हम बेसिक से देखेंगे। और इस एप्लीकेशन को मोबाइल में भी आप यूज कर सकते हैं और डेस्कटॉप पे भी आप यूज कर सकते हैं, हम दोनों ही मोड में गूगल क्लासरूम को देखेंगे। मैं सिस्टम से आपको बताऊंगा टीचर अकाउंट को एक्सेस करते हुए और मोबाइल से आपको बताऊंगा स्टूडेंट अकाउंट को एक्सेस करते हुए। और मैं ये आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा कि सबसे पहले क्लास कैसे बनाते हैं, फिर क्लास में एक्टिविटीज कैसे करते हैं, फिर स्टूडेंट्स उन एक्टिविटीज को कैसे फॉलो करते हैं और टीचर्स उन एक्टिविटीज को कैसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये ट्यूटोरियल। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना वेब ब्राउजर ओपन करना है और आपको जीमेल अकाउंट पे लॉगिन कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मेरी एक जीमेल आईडी जो है वो लॉगिन है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ ये जो 9 डॉट्स दिए हुए हैं ग्रिड शेप में, गूगल एप्स इन्हें कहते हैं, यहाँ पे क्लिक करना है और आपको चलना है यहाँ नीचे और यहाँ पे क्लिक करना है गूगल क्लासरूम पे। जैसे ही आप ये करेंगे यहाँ पे एक नया टैब ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये लोड कर रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं इस प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ, तो ये मुझे बता रहा है गूगल क्लासरूम हेल्प्स क्लासेस कम्युनिकेट सेव टाइम एंड स्टे ऑर्गेनाइज्ड। अब ये अकाउंट सिलेक्ट कर लिया है और ये कंटिन्यू करने को बोल रहा है, तो आपको कंटिन्यू कर देना है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गूगल क्लासरूम की जो एप्लीकेशन है वो मैंने यहाँ पे मेरे मोबाइल पे इंस्टॉल करके रखी हुई है। मैं ऐसे ओपन करता हूँ और यहाँ पे जब मैं ये 3 जो बार दिए हुए हैं टॉप राइट पे उसे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए एक अकाउंट आपको दिख रहा है नितिन वर्मा करके, यहाँ पे मैंने ये अकाउंट सिलेक्ट करा हुआ है। यहाँ पे आपको और ऑप्शन दिख रहे हैं क्लासेस कैलेंडर नोटिफिकेशन आर्चिव क्लासेस क्लासरूम फोल्डर्स सेटिंग्स। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि ये भी मेरा जो अकाउंट है ये एकदम नया है, फ्रेश है, तो यहाँ पे भी कुछ भी शो नहीं कर रहा है। अब मैं मेरे मोबाइल डिवाइस को एज अ स्टूडेंट डिवाइस लूंगा और मैं मेरे सिस्टम डिवाइस को एज अ टीचर डिवाइस लूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप जैसे देख सकते हैं आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको डिस्प्ले होती जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट और ज्वाइन योर फर्स्ट क्लास, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से एक क्लास क्रिएट करना है क्योंकि ये टीचर सिस्टम है। तो यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने लिखा क्रिएट क्लास। सो योर स्कूल मस्ट साइन अप फॉर अ फ्री जी सूट फॉर एजुकेशन अकाउंट बिफोर यू कैन यूज क्लासरूम। जी सूट फॉर एजुकेशन लेट्स स्कूल डिसाइड विच गूगल सर्विसेज देयर स्टूडेंट कैन यूज। स्टूडेंट कैन नॉट यूज गूगल क्लासरूम एट अ स्कूल विद पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे आप टिक कर दीजिए, कंटिन्यू करिए। यहाँ पे आप लिखिए क्लास नेम, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा प्रोग्रामिंग विद नितिन डैश क्लास 1। अगर आपका सेक्शन है तो आप सेक्शन लिख दीजिए ए, ये सब्जेक्ट और रूम आप खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप कर दीजिए क्रिएट, ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्लास को क्रिएट करने के लिए। व्हाट्स न्यू इन क्लासरूम, सी स्टूडेंट ग्रेड फॉर ऑल असाइनमेंट्स ऑन द ग्रेड पेज, टेस्ट ड्राइव, रूब्रिक्स, ओरिजिनली रिपोर्ट्स एंड एसआईएम ग्रेड, कस्टमाइज योर स्ट्रीम, गो टू क्लास सेटिंग्स, क्लास वर्क ऑन द स्ट्रीम। गॉट इट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे PWNI3 क्लास 1 सेक्शन ए बन के रेडी हो गया। यहाँ पे आप अगर चाहें तो इसका जो ये थीम है ये आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये मैंने थीम पे क्लिक करा, यहाँ से मैंने ये चेंज कर दिया, सिलेक्ट क्लास थीम कर दिया, ये चेंज हो गया। अगर कोई अपलोड यहाँ पे आप फोटो करना चाहते हैं तो आप फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल और ग्रेड्स। यहाँ पे आपको क्लास का कोड दिखाई दे रहा है,
अगर आपकी इस क्लास को कोई ज्वाइन करना चाहता है तो आप इस कोड को उसे दे सकते हैं इस तरीके से, और वो उसे ज्वाइन हो जाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे मोबाइल डिवाइस से, स्टूडेंट डिवाइस से इस क्लास में ज्वाइन। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये स्क्रीन पे क्लास कोड आ गया है। यहाँ पे मैंने लिखा CL5LKGL ज्वाइन। जैसा कि आप देख सकते हैं मोबाइल डिवाइस पे भी सेम वही चीज आ गई है। अब डिफरेंस यहाँ पे ये है कि टीचर अकाउंट में स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल और ग्रेड्स का जो टैब दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रीम, क्लास वर्क और पीपल का टैब दिया हुआ है। मतलब स्टूडेंट अकाउंट में ग्रेड्स का टैब नहीं है। जो ग्रेड्स आप स्टूडेंट को देते हैं वो सिर्फ को ही दिखाई देती। पोस्ट नाउ और प्लान अहेड, यू कैन चूज व्हेन टू शेयर दिस पोस्ट विथ योर क्लास। पोस्ट वर्क टू स्टूडेंट्स राइट अवे। पिक अ डेट योर पोस्ट विल अपीयर। सेव अ ड्राफ्ट एंड फिनिश लेटर। गॉट इट। अब इस सेक्शन में क्या होगा, आप जो भी क्लास में पोस्ट करना चाहते हैं, जो भी शेयर करना चाहते हैं, वो यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं सारे स्टूडेंट के साथ में, या फिर पर्टिकुलर एक स्टूडेंट के साथ में। देख लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट शो होने लग गया है। अभी मैंने लिखा शेयर विथ योर क्लास, हाय, और एज वी जस्ट एंजॉयड अवर वेकेशन, सो लेट्स कम बैक फॉर द एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पर अगर आप कुछ अटैच करना चाहते हैं, कोई वीडियो, कोई गूगल ड्राइव का डॉक्यूमेंट, कोई लिंक या कोई फाइल, तो आप अटैच कर सकते हैं। जैसे वेलकम के लिए आपने कोई एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनाया हो स्टूडेंट्स को वेलकम करने के लिए, तो आप उसे अटैच यहाँ से कर सकते हैं और उसे अभी पोस्ट कर सकते हैं या शेड्यूल कर सकते हैं या सेव करके रख सकते हैं ड्राफ्ट में। जैसे मैंने यहाँ से पोस्ट कर दिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मोबाइल डिवाइस पे जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखिए इसको आपने जैसे ही रिफ्रेश करा तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आ गया। तो ये आपके टीचर का जो है ये नोटिफिकेशन आपको इस तरीके से यहाँ पे दिख जाएगा। आपने देख लिया कि ये जो स्ट्रीम सेक्शन है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बच्चों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। डायरेक्टली आप जो मैसेज करेंगे वो आपकी क्लास के ग्रुप में पहुंच जाएगा और सभी बच्चे उसके ऊपर आपको रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक जस्ट चैटिंग जैसा हो गया कि यहाँ पे आप अगर कोई नोटिफिकेशन उनको भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ पे शेयर कर लेंगे और वो सभी तक पहुंच जाएगा, जैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप पे करते हैं या किसी और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे करते हैं। अब दूसरा जो हम देखने जा रहे हैं वो है क्लास वर्क। क्लास वर्क में आप क्या क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से गूगल कैलेंडर पे भी जा सकते हैं, यहाँ से क्लास ड्राइव फोल्डर पे भी जा सकते हैं, क्योंकि इस क्लास का एक जो फोल्डर है वो ड्राइव पे बना होगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं माय ड्राइव के अंदर, क्लासरूम के अंदर ये एक क्लास का फोल्डर बना है, जहाँ पे सारे तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो अपलोड्स हैं, वो इस ड्राइव के फोल्डर में ही होगी। तो यहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हैं सारी चीजों को चेक करने के लिए। अब यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं, असाइन वर्क टू योर क्लास हियर, क्रिएट असाइनमेंट्स एंड क्वेश्चन, यूज टॉपिक्स टू ऑर्गेनाइज क्लास वर्क इन टू मॉड्यूल और यूनिट्स, ऑर्डर वर्क द वे यू वॉन्ट स्टूडेंट टू सी इट। आप यहाँ पे ऑर्डर भी उसको चूज कर सकते हैं कि पहले क्या करना है, फिर दूसरा असाइनमेंट क्या करना है, यहाँ पे आप ये सही चीजें कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा असाइनमेंट, क्विज असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल्स, रीयूज पोस्ट और टॉपिक्स। तो सबसे पहले हम चलते हैं असाइनमेंट पे, एड और क्रिएट मटेरियल। असाइनमेंट में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपने टाइटल दिया चैप्टर वन बेसिक ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे अपने इंस्ट्रक्शन में लिख दिया यू ऑल हैव टू सी द बिलो अटैच्ड वीडियो एंड कंप्लीट द बिलो अटैच्ड क्लास वर्क असाइनमेंट विद इन
2 days and submit it back here. तो ये आपने लिख दिया, यहाँ से आपने क्रिएट करा, यहाँ से आप गूगल डॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, शीट क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए गूगल ड्राइव की लिंक आप डायरेक्टली कोई अगर आपके पास हो इंटरनेट से तो आप लिंक अटैच कर सकते हैं, फाइल आप अटैच कर सकते हैं, यूट्यूब का वीडियो अटैच कर सकते हैं। ये करने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑल स्टूडेंट्स पॉइंट्स आपने यहाँ पे दे दिए। पॉइंट्स मीन्स कि यहाँ पे आप दे रहे हैं कि ये जो असाइनमेंट है कितने मार्क्स का है। मान लीजिए असाइनमेंट जो है वो 50 मार्क्स का है। यहाँ से आप एक दूसरी चीज कर सकते हैं अनग्रेडेड, मतलब कोई भी ग्रेड नहीं है, जबकि यहाँ से आप कर सकते हैं 50 मार्क्स का है। ड्यू कब आपको करना है कंप्लीट इसे, अगर नो ड्यू डेट है तो मतलब कोई भी डेट आपने उनको नहीं दिया, अगर डेट आपने दी है तो आप यहाँ से डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हो रहा है 10:23, यहाँ हम कर देते हैं 10:30 AM। ये देखिए यहाँ पे आ गया है वेनेसडे June 10। June 9, 10:30 आज संडे है, मंडे ट्यूसडे को उन्हें ये सबमिट करना है। टॉपिक आपने यहाँ पे कर लिया, टॉपिक आप क्रिएट कर सकते हैं, चैप्टर जो है आपका जो टॉपिक है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने टॉपिक कर दिया बेसिक ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे रूब्रिक्स अगर आपको कुछ क्रिएट करने हैं तो आप रूब्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि होता है कि 10 मार्क्स इस चीज के, 10 मार्क्स उस चीज के, तो आप रूब्रिक्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन टाइटल, प्रेजेंटेशन डिस्क्रिप्शन, पॉइंट्स, लेवल और लेवल का डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप रूब्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने वीडियो देखा तो आपको 10 पॉइंट मिले, सेकेंड वीडियो देख के आपने कुछ पॉइंट्स नोट करें तो आपको उसके 10 पॉइंट मिले। इस तरीके से आप जो है वो रूब्रिक्स जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और सेग्रीगेशन कर सकते हैं आपके 50 मार्क के की किस किस चीज़ के उनको मार्क्स मिलेंगे, अगर वो चीज़ वो नहीं करेंगे तो उस चीज़ के मार्क्स उन्हें नहीं मिलेंगे। तो यहाँ से आप रूब्रिक्स को कर सकते हैं। मैंने डिस्कार्ड कर दिया, ये ऑप्शनल है, आप अटैच करना चाहें तो अटैच कर सकते हैं। यहाँ से असाइनमेंट को भी आप शेड्यूल कर सकते हैं, ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं या डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ से असाइन कर दिया, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये असाइन हो गया है। यहाँ से मैंने मोबाइल डिवाइस पे इसको रिफ्रेश करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया, न्यू असाइनमेंट चैप्टर 1 बेसिक ऑफ कंप्यूटर। इसको मैंने ओपन करा तो यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है। अब जैसा कि यहाँ पे अभी कोई अटैचमेंट है नहीं क्योंकि मैंने कोई अटैचमेंट यहाँ पे नहीं करा था, देख सकते हैं यहाँ पे क्लासरूम के अंदर भी ये चीज यहाँ पे दिखने लगी है। अब आप ये देखिए कि जैसे ही बच्चों को ये असाइनमेंट मिलेगा तो यहाँ पे उन्हें क्या करना है, क्योंकि आपने उन्हें बोल दिया है कि ये ट्यूसडे तक कंप्लीट करना है तो यहाँ पे ऊपर ड्यू डेट दिखाई दे रही है 10:30 AM, पॉइंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और जब वो नीचे ये जो एरो बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एड अटैचमेंट करने का जो है वो ऑप्शन आता है। तो जैसे ही उन्होंने अपना काम कंप्लीट करा वो यहाँ से अटैच कर सकते हैं और वो उसको मार्क एज डन कर सकते हैं और वो आपको अपना वर्क जो है वो सबमिट कर सकते हैं इस प्रोसेस से। मान लीजिए उन्होंने यहाँ से अटैच करा और मार्क एज डन करा, यू डिडंट अटैच एनीथिंग टू चैप्टर 1 बेसिक ऑफ कंप्यूटर सो नथिंग विल बी हैंडेड इन, द टीचर विल सी That it's done. तो मैं यहाँ से इसे mark as done कर देता हूँ। अभी ये assigned है क्योंकि ये मुझे अभी assigned है तो अभी मैं इसको mark as done करता हूँ। जैसे ही मैं इसको mark as done करता हूँ तो यहाँ पे देखिए अभी एक notification आ जाएगा work submitted और अब यहाँ पे message आ रहा है handed in, मतलब मैं ये
टीचर को दे चुका हूँ। अब जब मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये क्लास वर्क के अंदर यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर दिखने लग गया है, यहाँ पे डेट दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं जब वो यहाँ पे कनेक्टेड होंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट था उसने यहाँ पे सबमिट कर दिया है, और यहाँ पे जीरो मतलब यहाँ पे अगर कोई भी स्टूडेंट नहीं बचा है, अगर और ज्यादा होता है तो जैसे 10 ने सबमिट कर दिया, 10 ने सबमिट नहीं करा तो वो यहाँ पे दिखाता है 10 टर्नड इन एंड 10 असाइंड। जैसे आप व्यू असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट की लिस्ट आ जाएगी। आप उसको सॉर्ट बाय स्टेटस कर सकते हैं या सॉर्ट बाय फर्स्ट नेम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि नितिन वर्मा टर्नड इन, उसने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है। अब आपको यहाँ पे उसके असाइनमेंट को मार्क्स प्रोवाइड करने, मतलब आपने उसके असाइनमेंट को चेक कर लिया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से आपने चेकबॉक्स पे टिक करा और यहाँ पे उसके जो मार्क्स हैं वो आपने यहाँ पे एंटर कर दिए। मान लीजिए 45 मार्क्स आपने यहाँ पे एंटर कर दिए, ये आपने सेव कर दिया। और आपने यहाँ पे उसे प्राइवेट कमेंट का जो ऑप्शन है वहाँ पे लिख दिया, वेल डन फॉर योर वर्क। आपने प्राइवेटली उसे कमेंट कर दिया है, यहाँ पे आपने उसे सेव कर दिया है। सेव करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। अब आप देख सकते हैं जैसे ही आपने रिटर्न पे क्लिक करा तो यहाँ पे मैसेज आया, रिटर्न वर्क टू वन स्टूडेंट, आपसे उसकी ग्रेड रिटर्न कर लें। स्टूडेंट विल बी नोटिफाइड एंड कैन चेक एनी ग्रेड यू हैव लेफ्ट। तो यहाँ से आपने उसको रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे हम चलते हैं मोबाइल डिवाइस पे, इसे रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्राइवेट कमेंट भी आ गया है और यहाँ पे मार्क्स भी आ गए हैं असाइनमेंट के, 45 out of 50। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बच्चों के जो असाइनमेंट्स हैं या जो भी वर्क आपने उन्हें दिए हैं उसको चेक कर सकते हैं। बिल्कुल के टाइम में आपको मिलेगा कि आपके यहाँ पे कितने पार्टिसिपेंट्स, कितने स्टूडेंट्स आपसे कनेक्टेड हैं। सेम ऐसे ही मोबाइल डिवाइस में भी, स्मार्ट डिवाइस में भी पीपल में ये दिखेगा कि क्लास में कितने स्टूडेंट कनेक्टेड हैं। ग्रेड्स में हम देखते हैं क्या हमें मिलता है। ग्रेड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा का पूरा एक लिस्ट टाइप का बन जाएगा कि आपके क्लास के इतने स्टूडेंट हैं, उन्होंने इस तारीख को इस टॉपिक के ऊपर आपका जो है वो असाइनमेंट सबमिट करा था, और जो क्लास एवरेज है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितने मार्क्स से आपको क्लास एवरेज है वो निकल के आता है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। मान लीजिए 10 बच्चे आपकी क्लास में हैं और सभी ने असाइनमेंट करा है और आपने किसी को 25 मार्क्स दिए, किसी को 30 मार्क्स दिए, तो उसका जो एवरेज है मार्क्स जो है वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो ये ग्रेड सेक्शन है जो कि सिर्फ टीचर अकाउंट में ही दिखता है। मैंने अभी असाइनमेंट ऑप्शन आपको यहाँ पे यूज करके बता दिया है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्विज असाइनमेंट। जैसे ही आप क्विज असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ये नया असाइनमेंट ओपन हो जाएगा, बट ये जो असाइनमेंट है ये क्विज के साथ में आएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्लैंक क्विज का एक ऑप्शन आ रहा है, तो इसने यहाँ पे क्या करा कि एक ब्लैंक क्विज बाय डिफॉल्ट आपके लिए यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो क्विज है वो पहले से रेडी है और आप उसे यहाँ पे अटैच करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से हटा दीजिए, और आप क्या करिए यहाँ पे आप ऐड के ऊपर क्लिक करिए और यहाँ से आप गूगल ड्राइव पे जाइए, यहाँ से आप अपनी जो क्विज है उसे सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे वो जो क्विज है वो यहाँ पे ऐड हो गई है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि किस क्लास के लिए, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्टेड है। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स डिसाइड कर सकते हैं कितने लोगों को ये आपको असाइन करना है। यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे हमने पहले करा था, यहाँ पे टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे हमने जो टॉपिक बनाया था उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे पॉइंट आप दे सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे पॉइंट दे दिया 80, तो यहाँ पे पॉइंट जो है वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो ये जो ऑप्शन था ये क्विज असाइनमेंट क्रिएट करने का ऑप्शन था। अब हम देखते हैं
क्रिएट करने का। जैसे हम क्वेश्चन को क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको एक ही स्पेस मिलेगी और साथ में इसका एक टाइप आपको मिल जाएगा कि शॉर्ट आंसर है या एमसीक्यू है, और यहाँ पे आप उस क्वेश्चन का थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं जो कि ऑप्शनल होता है। जैसे यहाँ पे शॉर्ट आंसर है तो बच्चे को वहाँ पे एक शॉर्ट आंसर देने के लिए ये क्वेश्चन डिफाइन मिलेगा, और अगर आप इसको यहाँ से एमसीक्यू करते हैं तो यहाँ से वो ऑप्शन आपको ऐड करने को बोल देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो और ऑप्शन ऐड होते जाएंगे, तो ये यहाँ पे एमसीक्यू हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पे आप एक पोल टाइप का क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकते हैं। बाकी सारे जो ऑप्शन हैं वो हम पहले से देख चुके हैं, तो ये सारे के सारे वही हैं, बस यहाँ पे ये जो असाइन की जगह यहाँ पे आस्क और शेड्यूल हो गया है। फिर हम चलते हैं यहाँ पे मटेरियल क्रिएट करने के लिए। जैसे आपने मटेरियल क्रिएट पे क्लिक करा तो यहाँ पे अब टाइटल आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन आ जाएगा ऑप्शनल, यहाँ पर टॉपिक आ जाएगा कि किस टॉपिक से रिलेटेड आप ये मटेरियल दे रहे हैं, और यहाँ से आप मटेरियल अटैच कर सकते हैं। मान लीजिए आप गूगल ड्राइव की लिंक दे रहे हैं, कोई अदर लिंक आप दे रहे हैं, कोई फाइल अटैच कर रहे हैं, कोई यूट्यूब का वीडियो अटैच कर रहे हैं, यहाँ से कुछ क्रिएट करके आप उन्हें दे रहे हैं, जैसे डॉक्स हो गया, स्लाइड हो गई, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आ सकती हैं और इसे आप पोस्ट कर सकते हैं। तो मटेरियल क्या होगा, आपके जो ये जो क्लास बनी हुई है इसके ऊपर पोस्ट हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे रीयूज पोस्ट, आप किसी पुरानी पोस्ट को रीयूज कर सकते हैं। जैसे आपने किसी और क्लास के लिए कोई पोस्ट बनाई है और आप चाहते हैं कि आप उसे रीयूज कर लें, तो यहाँ पे आप उस चीज को रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई भी चीज हमने नहीं बनाई हुई है, तो इससे यहाँ पे कुछ भी लोड नहीं हो रहा। तो ये सारे ऑप्शंस थे जो कि आपको क्लास वर्क टैब के अंडर में मिलते हैं, क्रिएट ऑप्शन के अंदर। गूगल कैलेंडर को भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे आप गूगल कैलेंडर पर क्लिक करेंगे तो ये एक दूसरे पेज पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कैलेंडर मिल जाएगा और इस कैलेंडर के ऊपर आपने अगर कुछ असाइन डेट्स रखी हुई है तो वो असाइन डेट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जैसा कि देख सकते हैं आप, यहाँ पे पूरा टाइम लिखा हुआ है और ऊपर डेट्स हैं। हर एक वीक के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट्स जो हैं वो सेट होती हैं। और यहाँ पे देखिए जो मैंने असाइनमेंट बनाया था वो यहाँ पे मेंशन है। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपकी क्लास बनी हुई है आप एक और क्लास बनाए, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लासेस को क्लिक करना है। तो ये इस तरीके से आपको पैनल दिखाई देगा। यहाँ पे ये आपकी एक क्लास बनी हुई है और यहाँ पे आप ये प्लस के साइन पे क्लिक करके एक और क्लास क्रिएट कर सकते हैं या किसी और क्लास में ज्वाइन भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्लास किसी और टीचर ने बनाई है और वो आपको ज्वाइन करना चाहता है, तो आप यहाँ से ज्वाइन करके उस क्लास का कोड एंटर करके उस क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आपको और टीचर्स को इनवाइट करना है तो यहाँ पे आप ये देखिए पीपल टैब के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ पे दो सेक्शन दिखाई देंगे। एक टीचर सेक्शन आपको दिखाई देगा और एक स्टूडेंट सेक्शन आपको दिखाई देगा। अगर आपको स्टूडेंट को इनवाइट करना है तो आप यहाँ स्टूडेंट इनवाइट से भेज सकते हैं। अगर आपको टीचर इनवाइट करना है तो यहाँ से आप टीचर इनवाइट से भेज सकते हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ ईमेल टाइप करना होगा और उस टीचर के पास जो है वो नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो जब वो टीचर आपके नोटिफिकेशन के थ्रू ज्वाइन होंगे तो वो एज अ टीचर ज्वाइन होंगे, और जब आपके स्टूडेंट्स आपके नोटिफिकेशन से ज्वाइन होंगे तो वो स्टूडेंट सेक्शन में आपको दिखेंगे। अगर उसके अलावा कोई अगर कोर्ट से ज्वाइन होता है तो वो एज अ स्टूडेंट ही ज्वाइन होगा। एक चीज और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेटिंग्स का बटन है जो कि स्ट्रीम सेक्शन में आता है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिखाई देता है जनरल में क्लास कोड स्ट्रीम स्टूडेंट कैन पोस्ट एंड कमेंट। यहाँ से अगर आप चाहें तो सब कर सकते हैं, ओनली टीचर कैन पोस्ट और कमेंट। क्लास वर्क ऑन द स्ट्रीम पे आप कर सकते हैं शो अटैचमेंट एंड डिटेल्स। तो वही जो आपको दिख रहा था वो एक कंडेंस फॉर्म था, यहाँ पर आपको अटैचमेंट और डिटेल भी दिखाई देती रहेंगी जो भी आप ने स्ट्रीम करते हैं। शो डिलीटेड आइटम्स, जो भी आप डिलीट करते हैं वो दिखे, तो यहाँ पे ये जो है ओनली टीचर्स कैन व्यू डिलीटेड आइटम। ग्रेडिंग में यहाँ पे ग्रेड कैलकुलेशन, ओवरऑल ग्रेड कैलकुलेशन, चूज द ग्रेडिंग सिस्टम, टोटल पॉइंट्स आप यहाँ से कर दीजिए, शो ओवरऑल ग्रेड टू स्टूडेंट्स यहाँ पे आप टिक कर दीजिए। और अगर आप चाहें तो यहाँ से आप ग्रेड कैटेगरी भी बना सकते हैं, जैसे डिफॉल्ट पॉइंट 100 A+ आपने कर दिया।
नेक्स्ट आपने करा डिफॉल्ट पॉइंट 90, ए ग्रेड आपने कर दिया, यहाँ पे करा आपने 80, यहाँ पे आपने बी ग्रेड कर दिया, वैसे आपने सेव कर दिया। तो ये ग्रेड वाला ऑप्शन आपने यहाँ से क्या कर दिया है, सेलेक्ट कर लिया है। क्लास वर्क में गए, यहाँ की सेटिंग्स भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी सेम वही चीज है जो स्ट्रीम के अंदर थी, क्योंकि पूरी ओवरऑल क्लास सेटिंग है। पीपल के अंदर भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे भी वही जनरल सेटिंग है। और ग्रेड्स के अंदर हमने यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या ग्रेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओवरऑल ग्रेड यहाँ पे दिखा रहा है, हमने वहां पे सिलेक्ट करा था। इस तरीके से आपने अपनी क्लास की जो सेटिंग्स है वो भी कर ली है। तो ये एक छोटा सा डेमोंस्ट्रेशन था गूगल क्लासरूम का, जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिकली करके बताया है, जिससे कि आपका जो है वो वर्क इजी हो जाए, आप इजीली गूगल क्लासरूम को समझ पाएं, उस पर वर्क कर पाएं। और आप देख सकते हैं कि ये मोबाइल डिवाइस और सिस्टम डिवाइस दोनों पे चलता है, तो स्टूडेंट जो है वो इसे मोबाइल डिवाइस पे इजीली वर्क कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, या अपना सारा वर्क जो है वो मोबाइल डिवाइस के थ्रू कर सकते हैं। टीचर भी उसे ऐसे ही यूज कर सकते हैं मोबाइल डिवाइस से भी। मोबाइल डिवाइस से यूज करने पे कोई ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, इसे शेयर करिए उन लोगों के साथ जिन लोगों को गूगल क्लासरूम को यूज करने में प्रॉब्लम आ रही है, अपने कलीग्स के साथ भी शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी लोगों को इसके बारे में बताइए, ताकि वो मेरे चैनल पे आ सकें और अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को वहां से देख सकें। बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। आज इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो एक नए ट्यूटोरियल के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। Stay safe, stay at home.